सुबह सुबह उठो, सुबह हो गई, उठो नमाज पढ़ो, सुबह हो गई। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बंदो, ये क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहे हैं खुश रहे हैं, आबाद रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ है तो मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सुबह की गुड मॉर्निंग। और अभी जो हमने नमाज पढ़ के आ चुकी हैं, चिड़ियों ने जो है ना बहुत चहल पहल लगाई हुई है, क्योंकि सुबह हो गई है ना, तो एक दूसरे को जगाए जा रहे हैं और सब बच्चे जो है माशाल्लाह से उठ चुके हैं और अबू जान भी नमाज पढ़ के आ गए हैं। देखिए जी, अबू जान जो है माशाल्लाह से नमाज पढ़ के आ चुके हैं। और अबू जान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे, आमीन। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं वो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, चलते इसी दुआ नल भी लोग के साथ। माशाल्लाह जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नई सुबह का आगाज हो चुका है, हम भी नए भी लोग के साथ हाजिर हो चुके हैं। हाँ जी, तो अभी जो है कुछ बनाते हैं नाश्ता वगैरह, तो फिर जो है हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है आज हमारी तैयारी है घर जाने के लिए, तो आप सब ने दुआ करनी है कि हम जो खैर से वहाँ पे पहुँच जाएं। हाँ जी, और देखें कि सुबह के टाइम, रात के टाइम पंखा लगाते होते हैं, सुबह के टाइम ये इस तरह चलता है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल स्लो स्लो। अब इसकी तारे जो है ना वो खींच दो, रात फुल स्पीड में चल रहा था, लेकिन अभी इसकी बैटरी जो है ना वो खत्म हो गई है। लेकिन रात भी बड़ा मजा आया सोने में, अल्लाह पाक ने जो हवा चलाई और पंखा भी था गुजारा अच्छा हो गया। अम्मी जान जो है वो सुबह सुबह लगा रही है झाड़ू, जो कि सुबह सुबह आपको पता है नमाज के बाद जो है ना फिर झाड़ू पोछा होता है, उसके बाद जैसे जैसे जो है वो सब उठते जाएंगे फिर बिस्तर जो है हम वलहटते जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये दो खाली थे, हम ये जो है लपेट रहे हैं। इस बिस्तर को भी खाली कर लिया और इसको भी खाली कर लिया, अब ये बिस्तर जो है लेके जा रही है।
मस्जिद जाओ बेटा, मस्जिद जाओ पढ़ने के लिए, भागो भागो भागो। इधर फातिमा भी जो है वो मस्जिद पढ़ने के लिए जा रही है। तो जी माशाल्लाह से दोनों शहजादे जो है ना वो अभी तक सोए हुए हैं, क्योंकि माशाल्लाह से रात जो है ना वो बिल्कुल ठंडा मौसम था, तो जिसकी वजह से ये रात भर उठे भी नहीं हैं और अभी तक सुकून से सो रहे हैं। जानवरों को जो है उनका चारा डाल दिया गया है, अब उनकी मर्जी है खाएं या मज़े उड़ाएं। ऐसा ऐसा खा भी रहे हैं और कुछ इधर हैं। सुबह सुबह जो है ना मैं जब उठा तो ये वाले जो है ना ये खुली हुई थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी बछड़ा। हाँ वैसे वो आपस में लड़ते रहते हैं ना। हाँ। तो ऐसे गीला होगा, खुल गया होगा। जानवरों के लिए जी टुकड़े आ चुके हैं, ये मेरे ख्याल में रात को भिगो कर रखे जाते हैं। हाँ जी। और सुबह जो है माशाल्लाह नरम हुए पड़े होते हैं। अब जो है ना इसको हम तूड़ी के अंदर मिक्स करेंगे। पहले इसको मिक्स किया जा रहा है, उसके बाद फिर उधर मिक्स होगा। ये बच्ची भी माशाल्लाह उठ चुकी है हाथ मुंह धो के, ये भी अभी मस्जिद पढ़ने के लिए जा रही है। खैर है, सुबह सुबह उदासी है। उदासी नहीं, आंखें नहीं खुल रही। ये दक्षिण चला हुआ है ये। आज असल में ठंडी हवा चल गई है ना, रोज तो इस टाइम खुद ब खुद आंखें खुल जाती थी, आज तो खोलनी पड़ी। माशाल्लाह सूरज जो है ना वो निकलना शुरू हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल लाल लाल सी ये वाली जगह हो गई है। थोड़ी देर तक सूरज भी बाहर आ जाएगा। सूरज जो है वो निकल चुका है, ये सब आप देख सकते हैं। और इधर जो है गिलहरी जा रही है दीवार के ऊपर बैठ के, बड़े मज़े से जा रही है। गाँव में जो है वो सबसे पहले जानवरों को नाश्ता करवाया जाता है, उसके बाद जो है फिर खुद नाश्ता बनाते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो आप तो नहीं कर सकते ना। हाँ तो हम खाएं वो। जैसे ही दिन निकलता है वो इधर भाग दौड़ करना, लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। हमें पता लग जाता है कि इनको भूख लगी है। हाँ। इनको जब हम नाश्ता करवा लेते हैं फिर सुकून से पकाते रहते हैं, खाते रहते हैं। हाँ, वो भी अपने खेल लग जाते हैं, हम भी अपने काम में लग जाते हैं। सही है। पानी जो है वो भरा जा रहा है, ये भी उन जानवरों के लिए। अब जो है इसको इसमें मिक्स कर दिया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे जो रोटी के टुकड़े होते हैं वो सारे इधर मिक्स कर दिए हैं। अब सारे जानवर जो है ना वो मज़े से अपना खाना खाते रहेंगे। माशाल्लाह जी दोनों शहजादे जो हैं वो उठ चुके हैं। ये उठ के ना चुम्मी ले रहा था, देखा कैमरा ऑन था फिर सो गया। और ये देखे मोहम्मद हसन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बाबा जानी, बाबा जानी कैसे हो शहजादे। चलो उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो, चलो शहजादे उठ जाओ। सुबह सुबह जी नाश्ते में आज जो है ये भिंडी बनाई जा रही है हमारे लिए। आज नाश्ते में हमें इंशाल्लाह भिंडी मिलेगी, इसका मतलब है हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। माशाल्लाह जी भिंडी कटना जो है वो नाश्ते के लिए स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी। और भिंडी देखें कि एक भिंडी के दो दो टुकड़े किए जा रहे हैं। हाँ। कि जल्दी से बनाऊं खिलाऊं और ये टाइम से जाए। कितना खुश हो रही है, ये भी बड़ी खुश हो रही है, ये भी बड़ा खुश हो रहा है। ये अच्छी रेसिपी बना रही है। अच्छा। असा था, हम तो अपनी जुबान में इसे कहते हैं गैर कजड़ा। आप अच्छी रेसिपी, आप इसको अच्छी रेसिपी कहते हो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं था तो ऐसे रेसिपियां बनाई जाती हैं। बातें करता रहता। इसको मैंने बताया जो भिंडी बनाई जाती है आधी आधी करके। नहीं, हमने भिंडी काटी होगी ना तो उसने देख लिया होगा। जो कहती है आप आवारे हो।
ऐसे ना हमने ऐसी बनाई ना भिंडी, फिर हाँ। सबद भी रह जाती है, पूरी साबित भी रह जाती है। जो छोटी छोटी ये काटती थी ना वो कचूमर बन जाता था। हाँ जी, जल्दी नरम हो जाती है ना, फिर लेस कर। हसन जानी दिल भर जानी, ऐ सदके जावा शोर मचावा। आज चल रही है बहुत ज्यादा आंधी, बहुत ही ज्यादा। तो माशाल्लाह अबू जान सुबह सुबह जो हैं वो पानी लगा रहे हैं, इधर सारा यहाँ पे पानी लगा गए हैं, अभी यहाँ पे भी नाश्ता बना रहे हैं अंदर। माशाल्लाह जी, बाहर नाश्ता नहीं बनता क्योंकि हवा है, तो हवा मारने के लिए अंदर आ गई है। बहुत हवा है, बहुत हवा है साहब, जो कचरा है ना अंदर भी आ जाता है, इसीलिए मैंने किचन में चढ़ा दिया है पतीला। और आज जब भिंडी बनाई जा रही है सुबह सुबह नाश्ते में, वो भी रात जो है भिंडी बनाई जा रही है आज। अच्छा, मैंने कहा समझा रात जो है वो भिंडी बनाई जा रही है और आज भी भिंडी। नहीं, नहीं, आज मैंने कहा भिंडी बनाई जा रही है नाश्ते में, वो भी डालें जी। ये जी मिर्चें डाल दी सबसे पहले, आराम आराम से डाली हैं ताकि बाहर ना गिर जाए। हाँ जी, और देखिए बिल्कुल ताजी ताजी भिंडी, सबल सबल। नहीं ये है परोथी, ताजी नहीं है, कल की पट्टी वाली। मतलब फिर हम फिर भी जो है ना कमजोर नहीं हो। राज जी सुबह तंदूर पे रोटी लगाना सीख रही थी, तो बस फिर जो होना था आपको पता है, जिसका डर था वही हुआ। ये देखिए ये बाजू उसकी तंदूर से चिपक गई थी और कितनी बड़ा जख्म हो गया है। वही जगह जो पहले जली थी ना चूल्हे पे, वही जगह लगी, इतनी जलन हो रही थी बहुत ज्यादा। आप देखे कैसे हो रहा है। धूप लगाई थी दांतों वाली, वो नहीं थी यहाँ पर चाचू की थी, उसने कहा मेरी खत्म हो गई है, फिर जो है ना बस ऐसे जलन ऐसा ऐसा खत्म होता था। अब हाथ नहीं लगता इसके साथ ना, लेकिन सूजा हुआ है बाजू। साइड करेंगे पतीले के अंदर, माशाल्लाह जी सारी जगह है ना। चले जी भिंडी ऐड कर दी है, अब जो है इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। जी माशाल्लाह भिंडी जो ऐड हो चुकी है और अभी जो है ना मिक्स हो रही है। हाँ जी, और जो है ना अभी आज भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इंशाल्लाह भूख लगी है। और भिंडी ऐड हो रही है, मैं अभी जा रही हूँ आटा लेने, क्योंकि रात टाइम से खाना खाया था ना, अभी जल्दी से भूख लग गई है। नहीं आप टाइम से उठे हैं ना, इसीलिए भूख लग गई है, जो सोए पड़े होते हैं ना भूख का पता ही नहीं होता। हाँ। तो जी इधर जो है ना आज अहमद की तबीयत जो है वो काफ़ी सारी ख़राब है, नज़ला जुकाम और इसको ना दांतों में दर्द है। तो आपको दाढ़ में दर्द होता था ना सुबह? हाँ, मैं तो आपको ले गया था, आज आप मुझे ले जाओगी डॉक्टर के पास? लेकिन मैं ले जाने के लिए तो तैयार हूँ, आप सारा मसला आपका है ना, आपने मुझे गाड़ी ड्राइव करना सिखाया ही नहीं, तो मैं कैसे लेके जाऊंगी। भी ये मेरी मजबूरी है ना, यहाँ पे डॉक्टर को बुला देती हूँ, फिर जो है ना आप दवाई ले लें, सही है? अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर लेती तो आपको ना शहर ले जाती हॉस्पिटल, आपको ना वो है नजूल उसकी दवाई लो, दांतों में इसी वजह से दर्द होता है। अभी जी तंदूर जो है वो खाली किया जा रहा है, क्योंकि इसको हमने फिर ये रात जो सारा थी ना सारा खाली कर लेते हैं, फिर इसमें और लकड़ी ये वाली आ गई है, ये डाल के अभी जलाएंगे। और सालन रेडी हो चुका है, इंशाल्लाह वो भी रेडी हो चुका है। सालन जी माशाल्लाह ये देखें, हाय हाय वीआईपी। इसमें थोड़ा सा अचार भी डाल देना था भिंडी में। हाँ हाँ, दो तीन डलियां डाल दो, फिर देखना जायका, अल्लाह के बंदे भिंडी अचार बन जाएगा। हाँ भिंडी, अचारी भिंडी, अक्सर आपने देखी होगी अचारी भिंडी ही होती है असल।
अचार तो आपने डाला नहीं, अचार बन गया है। डाल देते हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें ये तरीका? बस आज बता दिया ना, अब अचार की खैर नहीं। हाँ जी, इतना टेस्टी बन जाएगी ना भिंडी, देखना आप। दो तीन डलियां ले आओ और डाल दो। चलें अभी तंदूर भी जलाते हैं और रोटी बनाना शुरू करते हैं। तंदूर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जलना शुरू हो चुका है, समझ लें जल गया है। जल गया है अभी। अभी जी सबा जो है वो आ चुकी है तंदूर देखने के लिए, फिर से रोटी बनाने के लिए, जैसे रात इसने बनाई है। अपना बाजू भी जला लिया और रोटी भी जहाज बना दी। हाँ। रोटी जहाज बना दिया था ना। बनाती नहीं ना, इसीलिए वो दांत नहीं आता बनाने का, वो जहाज बन गया। एक रोटी और दो रोटियां को नीचे गिर गई, हाथ भी जल गया। हाथ भी जल गया। हाँ। इसलिए वो नहीं बनाती, क्योंकि मैं तवे पे अच्छी बनाती हूँ, तंदूर में नहीं बनाती हूँ। तंदूर भी हलाका तो हमको है ना, उनको तो नहीं है, उस जगह पे तंदूर है जो नहीं। तो अचारी भिंडी बनाने के लिए अभी देखें ये बाल्टी अचार की, इतनी प्यारा अचार बनाया है वैसे आपने। हाँ। तो अब ये भिंडी के अंदर डालते हैं और मिक्स कर देते हैं। आज सब कहेंगे भिंडी कैसे बनाई है, कैसे बनाया। अभी जी ये खोल रही है गाड़ी, पता नहीं गाड़ी में से हर टाइम क्या काम पड़ जाता है। कपड़े निकाल रही हूँ हसन के। अच्छा अच्छा, वो नहलाने चला गया सुबह सुबह। हाँ। कमाल है यार। चले मैं ना, वो कह रहे हैं अबू जान के आप नहा लो तो आपकी तबीयत सही हो जाएगी। नहा लो, नाश्ता कर लो, उसके बाद दवाइयाँ वगैरह खा लो। हाँ, ये गलती। फिर सर में तेल भी डलवा लो। जी पहले तेल डलवा लो फिर बाद में नहा लो। हाँ, क्योंकि मैं इधर हूँ ना, फिर आपको कहूँगा फिर आप डालोगी भी तेल। तो ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम ना लगे, एक वहाँ पे मैं कहती तो हूँ आपको क्या है, मैं चलो तेल डलवाऊ, लेकिन आप कहते हो नहीं अभी नहीं, कल परसों ऐसे करते करते डलवाते ही नहीं, तो इसमें मेरा कसूर नहीं आपको कसूर है। चलें ठीक है, मेरा कसूर है, अब मैं इधर क्या बात कर सकता हूँ। जो करनी है यहाँ पे कर लो ना। अभी जी दवाई जो है वो आ चुकी है मेरी, तो ये गोलियां नहीं बंटी है, ये बच्चों की चीजें हैं, मैंने समझा गोली का पत्ता है। ऐसे भी खाया जाता है, पास वाला खाओ खा दे, यकीन करके खा लो, ये दवाई है। हाँ, ये भी है। दर्द खत्म। माशाल्लाह जी रोटी पकना भी स्टार्ट हो चुकी है, काफी सारी रोटी पक चुकी है और भी माशाल्लाह रोटियां जो है तंदूर में लगाई जा रही है। सही है, अभी खाएंगे, बाकी बच्चे हैं सारा दिन खाते रहते हैं। माशाल्लाह जी दस्तरखान लग चुका है तो सुबह का जी नाश्ता हमारा अभी रेडी हो गया है और बच्चे वगैरह जो हैं वो सब खा रहे हैं और इधर तहर खान भी खा रहे हैं। कैसा है नाश्ता? भिंडी आज कैसी बनी है? अच्छा, अचार की खुशबू आती है, अचार की खुशबू आ रही है। सही है, आपने नहीं खाया? तेरी अंदाज़ी, मैंने कहा आखिरी नाश्ता ना स्पेन का लास्ट। हाँ। इधर हमारे घर दूसरा नाश्ता इकट्ठे करेंगे ना। सही है, चलें जी अभी बैठ के नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है वो हमने कर लिया है, तो इंशाल्लाह ताला अभी जो है हम आपसे चाहते हैं इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। चलें।